हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईस्ट। आई होप आप सभी के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को 5 सिंपल टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप 2 महीने में 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मेरे हमेशा वीडियो अपलोड करने का टारगेट सिर्फ ये नहीं रहता है कि मैं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊँ, मेरा टारगेट ये भी रहता है कि बच्चों को मुझे इमोशनली और मेंटली सुपर स्ट्रांग भी बनाना है। तो जो भी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आप सभी को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 5 इजी टिप्स दैट विल मेक यू स्कोर मोर देन 95% इन बोर्ड एग्जाम्स 2021। सबसे पहली चीज, रिमूव द प्रेशर। अब जो ये प्रेशर है ना, ये आपके किचन के कुकर में पक रहा प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर है जो कि आपके माइंड में हमेशा आपकी प्रिपरेशन करते हुए चल रहा है। ये वो प्रेशर है जो कि सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाला हुआ है कि क्लास 10th का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ो, हर चीज़ से तुम्हें कट होना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, दोस्तों से दोस्ती छोड़ दो, सोशल मीडिया को बाय बाय कह दो, खेलना कूदना बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है। प्लीज़ इस प्रेशर को अगले 2 महीने के लिए साइड रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी कम अच्छे से आपकी प्रेपरेशन हो पाएगी। कभी भी अपने आप को इतना इमोशनली वीक मत बनाओ कि कोई इंसान आपको कुछ भी कहकर चले जाए और आप उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए कि आप अपने फ्यूचर के डिसीजन किसी के कुछ कहने पर सौंप दें। इसीलिए आपको प्रेशर रिमूव करना है, मेंटल प्रेशर रिमूव करना है, तभी आपकी प्रेपरेशन एकदम फ्री माइंड के साथ हो पाएगी। कभी भी आप खुद देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करके, जब आप किसी चीज़ को बहुत खुशी के साथ करते हैं, बहुत हैप्पी मूड के साथ करते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बर्डन समझते हुए करते हैं कि यार ये तो मुझे करनी पड़ेगी, नहीं किया तो डांट पड़ेगी, या फिर नहीं किया तो लोगों पर गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, तो उस चीज़ में हम चाहकर भी अच्छे तरीके से एफर्ट्स पुट नहीं कर पाते। तो इसीलिए प्लीज़ मूव दिस सोसाइटी का प्रेशर कि बच्चे पढ़ ले, हर चीज से कट हो जा, दोस्तों की दोस्ती छोड़ दे क्योंकि तेरे बोर्ड एग्जाम है। आप हर चीज का बैलेंस रखते हुए पढ़िए, आप बस दिमाग में ये टारगेट रखिए कि आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में अबव 95% स्कोर करने हैं। बाकी लोग आपको डरा रहे हैं तो डराने दीजिए, उनका काम सिर्फ डराना ही है, वो तब भी डराएंगे जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा। आप उनकी मत सुनिए, अपने दिमाग से प्रेशर हटाइए और अपनी प्रेपरेशन करिए। प्रेशर आपकी प्रेपरेशन में कहीं भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। तो टिप नंबर 1 कहती है, रिमूव द मेंटल प्रेशर। अपनी प्रेपरेशन के टाइम पर प्रेशर को टाटा बाय बाय कर दीजिए। टिप नंबर 2, नो कंपैरिजन। मुझे पता है आपके काफी ज्यादा फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, काफी सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए होंगे, काफी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं करी होंगी, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस है कि मैं जनवरी में भी अगर पढ़ना शुरू करूँ ना तो सारा सिलेबस आराम से कर लूंगा। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को देखकर आप लोग खुद को एकदम वीक समझेंगे और आपको ऐसे लगेगा मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, 2 महीने भी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, मुझे तो पूरा 1 साल चाहिए तभी जाके मैं 95% स्कोर कर सकता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, किसी और की थाली में रखा हुआ खाना आपकी भूख नहीं मिटा सकता। आपकी भूख मिटाने के लिए आपकी थाली में रखा हुआ खाना सफिशिएंट है, बस आप अपनी थाली में रखे हुए खाने पर ही ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम प्रिपरेशन में किसी और की प्रेपरेटरी स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए क्योंकि वही स्ट्रैटेजी आपको आपके टारगेट स्कोर तक पहुंचा सकती है। तो इसीलिए प्लीज डोंट कंपेयर योर जर्नी विद एनीवन। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी अलग है, हर किसी का कैलिबर अलग है, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग है। हर किसी को एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़कर याद नहीं हो पाता है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको एक चैप्टर बस एक बार रीड करके ही याद हो जाता हो, आप उनमें से नहीं हो, आपको किसी चैप्टर को 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ आता है, तो कोई बात नहीं, आप किसी से कंपेयर मत करिए। आप जैसे हैं, आप अपने परफेक्ट वर्जन है, उस पर प्राउड फील करिए। जब भी आप किसी और की जर्नी को अपनी जर्नी से कंपेयर करेंगे, आप अपना प्रेपरेशन का टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये टाइम वेस्ट करना कहीं भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, खासकर क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो प्लीज प्रेशर क्रिएट करने में, अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। तो टिप नंबर 2, डोंट कंपेयर योर जर्नी एंड योर प्रेपरेशन स्ट्रेटजी विद एनीवन।
टिप नंबर 3 कहती है टारगेट स्कोर। आज के आज इस वीडियो को खत्म होने के बाद ही लिख डालिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, आपको क्लास 10th में कितनी परसेंटेज चाहिए, 95 चाहिए, 96 चाहिए, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरे 85% ही आ जाए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लिख डालिए उस टारगेट स्कोर को। जब तक आप टारगेट स्कोर नहीं लिखेंगे, अपने रूम की किसी दीवार पर नहीं चिपकाएंगे, तब तक आपको भरोसा नहीं होने वाला है कि आप उतने टारगेट स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तब तक आपके प्रेपरेशन के एफर्ट्स भी उतने ज्यादा नहीं हो पाएंगे कि आपको आपके टारगेट स्कोर तक लेके जाए। तो अपना टारगेट स्कोर लिखिए, तभी आपकी प्रेपरेशन उस टारगेट स्कोर लायक होने वाली है। टिप नंबर 4 कहता है मेक योर ओन प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। जैसे कि आप अभी मेरी इस प्रेपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते होंगे। हर किसी यूट्यूब क्रिएटर की अपनी एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होती है। मेरा हमेशा ये मानना है चाहे एग्जाम प्रेपरेशन हो या फिर लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो, सुनो सबकी, लेकिन सबकी सुनने के बाद करो अपनी। हर किसी की सुनो। मेरी वीडियो के सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉइंट आपको पसंद आए हैं सिर्फ उन पॉइंट्स को ही अपनी जिंदगी में लागू करो। किसी और यूट्यूब क्रिएटर का कुछ पॉइंट आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, उस पॉइंट को फॉलो करो। बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद उनके जो बेस्ट पॉइंट्स आपको लगे हैं उससे अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ। आपको अपनी कैपेसिटी पता है और अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो मेक योर ओन स्ट्रेटजी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूट्यूब क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर, हर एजुकेटर, हर टीचर आपको यही कहेगा कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो रामबाण है, मस्ट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो इंक्लूड एनसीईआरटी रीडिंग इन योर स्ट्रेटजी। दूसरी चीज है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, ताकि किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट हो तो उस चैप्टर का रिविजन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हो जाए। तीसरी चीज है फुल सिलेबस का जो आपका पेपर होता है, 2020 का पेपर सॉल्व करा, 2019 का पेपर सॉल्व किया, 2018 का पेपर सॉल्व किया, तो पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना है। लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर तब सॉल्व करना है जब आपका मिनिमम 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। जनवरी या फरवरी मंथ में आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर के मंथ में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और चौथी चीज आती है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सैंपल पेपर्स के लिए एक बुक आप सभी को सजेस्ट करूंगी, ओसवाल बुक्स की सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स नाम से ये बुक आती है। 9th अक्टूबर 2020 को सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स रिलीज कर दिए थे। उसी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर ओसवाल बुक के सैंपल पेपर्स भी रिलीज हुए हैं। सीबीएसई ने जो टाइपोलॉजी बताई है क्वेश्चंस की, कि आपको विजुअल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं सब एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर आपके ओसवाल बुक्स के क्वेश्चंस भी डिजाइन करे हुए हैं। अगर इस सैंपल बुक के फीचर्स की मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, सीबीएसई 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर आपको टॉपर्स की आंसर शीट के साथ मिलेंगे, आपको हर चैप्टर की डायग्रामेटिक समरी के लिए माइंड मैप प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको ऑन टिप्स नोट प्रोवाइड कराए हैं जो कि आपके क्विक रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 5 सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलेंगे और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिलेंगे। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। हर सेल्फ असेसमेंट पेपर के बाद QR कोड दिया हुआ है, उस QR कोड के जरिए आप सेल्फ असेसमेंट पेपर के आंसर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पिछले सालों में ओसवाल बुक से अप टू 65% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रही हूं। आप सभी लोग चाहे तो लिंक ओपन करते हुए बुक के फीचर्स रीड करिए। अगर आपको लगता है कि बुक आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो आप सभी लोग इसके जरिए अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 4 यही कहती है कि आप सभी को अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। खुद की स्ट्रेटजी में एनसीईआरटी रीडिंग, सॉल्विंग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्विंग फुल सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स इंक्लूडेड होना चाहिए। टिप नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है होप एंड विन। जहां भरोसा होगा, खुद पर विश्वास होगा, वहां जीत जरूर होगी। कई बार हम एग्जाम इसलिए क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा नहीं होता है। हम फरवरी मंथ आने तक सिलेबस तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन भरोसा ही नहीं होता है कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो याद है भी या फिर नहीं। और इसी भरोसे की कमी की वजह से उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए अपने हर एक एफर्ट पर, चाहे आप छोटे स्टेप्स भी अपनी प्रिपरेशन में ले रहे हैं, उस पर भरोसा करिएगा। आपका हर एक
छोटा स्टेप आपको कहीं ना कहीं मार्क्स जरूर दिलवाएगा। तो यही पांचों पॉइंट्स हैं जो कि आपको अगले दो महीने तक फॉलो करने हैं। पहली चीज है मेंटल प्रेशर को प्लीज रिमूव कर दीजिए। दूसरी चीज, डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद एनीवन। तीसरी चीज है एक टारगेट स्कोर सेट करिए और फिर पढ़ाई करिए। चौथी चीज है अपनी खुद की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए और अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में एनसीईआरटी रीडिंग, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना और सैंपल पेपर सॉल्व करना इंक्लूड करिए। और पांचवी चीज है अपने हर एक छोटे छोटे स्टेप पर भरोसा रखिए कि वो स्टेप मुझे अबव 95% दिलवाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, टाइम टेबल वीडियो अपलोड करूं ताकि आप इमोशनली मेंटली सुपर स्ट्रांग रहे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए आई विल गिव माय 100% दिस ईयर। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव माय 100% दिस ईयर। अपने 100% दीजिए ताकि रिजल्ट आने तक आपको कुछ रिग्रेट ना रहे कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। आई विल गिव माई 100% दिस ईयर। प्लीज मेंशन डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।